एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता शेट्टे, आई एम एन आईटी इंजीनियर और हाउसवाइफ एंड अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग यानी फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट ही क्यों ज्वाइन किया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या फिर आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको फॉरेवर से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देती रही। और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है फॉरेवर से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी और आपको गाइड करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसे भी बहुत बदनाम हुई है कि लोगों नेटवर्क मार्केटिंग समझ के फ्रॉड है, MLM कंपनी है, इस टाइप का सोचते हैं कि इसमें लोगों को जोड़ना जोड़ने का रहता है और कंपनी आती है तो फिर हमारे से पैसे लेके भाग जाती है। इस टाइप का ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से फ्रॉड या फिर स्कैम्स ऐसे होते आ रहे हैं। और इस एनवायरनमेंट में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करूंगी, क्योंकि जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी देखा होगा कि मैं एक आईटी बैकग्राउंड से, मेरा आईटी इंजीनियरिंग हुआ है तो फिर मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करूंगी, और कभी मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये इंडस्ट्री मैंने कभी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरे इन लॉज में भी वगैरह बहुत से लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बट वो ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आना, फिर सबको हमारे आस पड़ोस को लोगों को बुला के उनको फिर प्रोडक्ट दिखाना, या फिर जो उनका कंपनी का मार्केट प्लान रहता है तो वो सबको शो करना, और प्रोडक्ट्स फिर जाके किसी को सजेस्ट करो, इस टाइप का वो ट्रेडिशनल बिजनेस होता था। बट मुझे एक बार कॉल आया था फॉरेवर से ही रिलेटेड, तब मैंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद फिर से कॉल आया था कुछ दिनों बाद फॉरेवर से ही, किसी ने मुझे अप्रोच किया था फॉरेवर से रिलेटेड, तब भी मैंने इग्नोर किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट जब थर्ड टाइम मुझे फिर से कॉल आया था किसी और इससे कि फॉरेवर का ऐसा ऐसा रहता है, कंपनी अच्छी है, इस टाइप का उन्होंने मुझे थोड़ा सा अप्रोच किया था, तो फिर मैंने सोचने लगी कि यार इतने सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि फॉरेवर का ऐसा है वैसा है, ये कंपनी ऐसी चलती है, तो अपने इंडिया में 23 इयर्स हो गए और ऑल ओवर पूरे ऑल ओवर कंट्री, जैसे 170 प्लस कंट्रीज में फॉरेवर रन करती है, वर्क करती है। तो फिर मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो गई थी कि मतलब एक्चुअली ये कंपनी है क्या, कैसे वर्क करती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा, तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया फॉरेवर के आईडी में, और जो मेरी अपलाइन थी उनसे मैंने कॉन्टेक्ट करके उनसे फिर उन्होंने मुझे सेशंस वगैरह दिखाया, और मतलब यहाँ पे लोग कैसे सक्सेस होते हैं, किस टाइप से वर्क करते हैं, ये सब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, और मुझे थोड़ा सा मतलब हो गया था कि मतलब कैसा वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाके ज्वाइन करूँगी और काम करूँगी घर के। तो फिर मुझे एक्चुअली ऐसा वर्क चाहिए था जो मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हिसाब से मैं वर्क कर सकूँ, फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम एटलीस्ट। तो फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे पता चला, और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया, उससे रिलेटेड फिर इंफॉर्मेशन यूट्यूब से, गूगल से, सब तरफ से मैं सोशल मीडिया पे वगैरह सर्च करती थी कि लोग कैसे फॉरेवर कर रहे हैं, क्या करते हैं उसमें, कौन कैसे सक्सेस होते हैं, इस टाइप का जब मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था तो फिर मैंने देखा कि फॉरेवर 45 ईयर्स से वर्क कर रही और 170 प्लस कंट्रीज में वर्क करती है, और इंडिया में आए उसको 23 ईयर्स हो गए। तो इससे तो कंफर्म हो गया था कि ये कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं है, क्योंकि इतने सालों से चल रही है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ तो भी जेन्युइन होगा ही, और ये कंपनी पूरा प्योर एलोवेरा बेस्ड कंपनी, एलोवेरा और भी हाइप्स पे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो फिर मैंने उस पर और थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे उसका मार्केटिंग प्लान भी समझ में आ गया था, और उसके प्रोडक्ट्स भी समझ में आ गए थे, और प्रोडक्ट्स से क्या क्या बेनिफिट हो गए, और उसमें टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब मैंने सर्च किया। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये कंपनी तो जेन्युइन है। तो और फिर जैसे कि उस कंपनी का खुद की खेत है, तो खुद की खेत में वो खुद एलोवेरा जेल एलोवेरा उगाती है, किसी से मतलब ऐसा कोई क्लेम नहीं है कंपनी पे, कुछ नहीं है, पूरी जेन्युइन कंपनी है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वर्किंग करना, बट
मुझे ये था कि उसमें वर्क करना करने का, जैसे मैंने पहले एक टीम ज्वाइन की थी तो उसमें थोड़ा सा मुझे वर्किंग स्टाइल अच्छा नहीं लगा था कि मतलब सबको कॉल करो, फिर वो लीड्स वगैरह प्रोवाइड करते थे और फिर उनको सेशंस दिखाओ, उनका फॉलोअप लो, तो मैं थोड़ा सा वो काम में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती थी और मेरे टाइम के हिसाब से भी वो पॉसिबल नहीं होता था कि मैं उसके हिसाब से, जैसे सेशंस रहते हैं तो उसके हिसाब से फिर मैं लोगों को कॉलिंग करूँ या फिर सेशंस दिखाऊँ या किसी को अप्रोच करूँ, तो मैं उस काम में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। फिर मैंने सर्च किया तो यूट्यूब पे मुझे पता चला कि एक TLF कम्युनिटी है जिसमें पूरा 100% ऑनलाइन वर्क होता है, तो फिर तब मैंने वो उसका उसके सेशंस लिए, सब पता चला कि ये वर्क कैसे करती है ये TLF कम्युनिटी, तो फिर मुझे उनका वर्क करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। 100% वो ऑनलाइन करती है, ना किसी को कॉलिंग करने की जरूरत होती है, ना किसी को अप्रोच करो या कुछ भी नहीं, वो सिर्फ ज़्यादातर वो मतलब खुद लोग हमारे पास आते हैं, हमारा कंटेंट देखते हैं, फॉरेन से जो इंटरेस्टेड रहते हैं ऑलरेडी कंपनी में या फिर जो खुद ज्वाइन करने का सोचते हैं तो वो हमारे पास आके ज्वाइन करते हैं, तो इस टाइप का थोड़ा सा सिस्टम चलता था। और मुझे ऐसा ही कुछ वर्क चाहिए था जो कि 100% ऑनलाइन हो, डिजिटली वर्क होता हो, उसमें कुछ डिजिटल स्किल्स सीखने को मिलता हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर TLF के बारे में मुझे पता चला तो फिर मैंने TLF ज्वाइन करने का सोचा। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप पहले उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लो कि कंपनी कैसी है, कितने सालों से चल रही है, उसमें कितने लोग वर्किंग है, कंपनी का टर्नओवर कितना होता है, ईयरली कितना टर्नओवर होता है, तो इस टाइप से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए, सब लीजिए। और जब भी आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करें तो पहले सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखो कि आपकी टीम, जिस भी टीम से आप ज्वाइन होंगे वो टीम कैसे वर्क करती है, कहीं वो टीम ही खुद ही फ्रॉड ना करती हो, क्योंकि कंपनी ठीक है मान लेते हैं, बट अभी मैं फॉरएवर से रिलेटेड बताती हूँ। जैसे फॉरएवर की कंपनी तो बहुत जेन्युइन है, ये तो क्लियर है, बट इसमें जो टीम्स होते हैं तो कोई कोई टीम्स भी फ्रॉडली काम करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से इलीगल अनइथिकल होके भी वर्क करती है, जिसको मतलब कमीशन बेस्ड है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फिर अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो जब भी आप टीम, कोई भी टीम ज्वाइन करो तो पहले ये देखो कि वो टीम कैसे वर्क करती है, फिर पूरा जान लो कि वो सेशंस लो उनसे, तो वो टीम कैसे वर्क करती है, उसके हिसाब से फिर आप अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। कि अगर कोई भी किसी का भी आपको कॉल आता है तो फिर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना तो नहीं, ऐसा नहीं है, पहले ये देखो कि जो टीम से आपकी अपलाइन हुई या फिर जो पूरी टीम है तो वो कैसे वर्क करती है। अगर उस काम में आप कंफर्टेबल लगते हो, अगर आप सेटिस्फाई उस टाइप का वर्क करने में, तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको जानना होगा कि हमारी टीम 100% ऑनलाइन कैसे वर्क करती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आकर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड करूँगी। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जो कि हमारा मास्टर क्लास होता है, डेली 7 PM को होता है, तो अगर आप 7 PM को अवेलेबल नहीं रहते हो तो फिर आप उसका रिकॉर्डिंग सेशन भी देख सकते हो। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब एक्चुअली पूरा 100% जो ऑनलाइन वर्क होता है, डिजिटली वर्क होता है, और उसके साथ साथ आपको डिजिटली कौन से स्किल्स सीखने को मिलेंगे, तो वो सब वो मास्टर क्लास में आपको पता चलेंगे जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर वो सेशन होने के बाद आपको कुछ क्वेरीज रहती है या फिर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर फॉरएवर से रिलेटेड भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप भी मेरे स्टोरी से रिलेट कर सकते हो कि मैंने कैसे कैसे ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई एम श्योर कि मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।